नमस्ते हरीश जी, नमस्ते सेठी सर, स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार हरी जी। नमस्कार प्रिया जी, नमस्कार सेठी सर, दोनों के गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज मार्केट तो बहुत अच्छा रहा, हालांकि दिन में नीचे था लेकिन क्लोजिंग ऊपर हुआ है, तो मार्केट के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सुन लेते हैं कॉर्पोरेट न्यूज़। एचई इंफ्रा इंजीनियरिंग को सड़क मंत्रालय की 781 करोड़ की परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाला घोषित किया गया। ग्रैन्यूज इंडिया ने घोषणा की है कि यूएसएफडीए ने ग्रैन्यूज फार्मास्यूटिकल्स एक जीपीआई द्वारा डायर ग्लाइकोपाइरोलेट ओरल सॉल्यूशन एक एमजी 5 ml के लिए इसके संक्षिप्त नए औषधि आवेदन एनडीए को मंजूरी दे दी है, जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कंपनी है। एक्सिस्टेंस टेक्नोलॉजीज ने अपनी अनुबंध की घोषणा की है, जिसमें 50 मेगावाट 300 मेगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता का समर्थन करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी एलएईएस सुविधा शामिल है। ग्रीव्स फाइनेंस लिमिटेड, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, और ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने अपने 100% ईवी केंद्रित लेंडिंग प्लेटफॉर्म ईवीफिन के तहत रिवर मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। जापान के निर्यात में उछाल, आर्थिक सुधार के संकेत। जापान के निर्यात में जुलाई में तेज गति से वृद्धि हुई, जिसकी मदद कमजोर येन और ऑटो सेक्टर में तेजी ने की, जो इस तिमाही में निरंतर आर्थिक सुधार का संकेत है। बैंकरों का कहना है, व्यापारियों द्वारा ब्याज दरों में कटौती की तैयारी के कारण डॉलर इस साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। बाजार में बिकवाली कम होने के बाद डॉलर यूरो और येन के मुकाबले लुढ़का। आरबीआई ने बैंकों से नकदी की समस्या से बचने के लिए ऋण जमा अंतर पर नजर रखने को कहा। आरबीआई के नवीनतम अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 26 जुलाई तक भारतीय बैंकों के ऋण में एक साल पहले की तुलना में 13.7% की वृद्धि हुई, जबकि जमा में 10.6% की वृद्धि हुई। जुलाई में वृद्धि के मामले में जोमैटो ने स्विगी को पीछे छोड़ा, ज्यादा बाजार पर कब्जा किया। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने जुलाई साल दर साल में लगभग 29% की वृद्धि दर्ज की, जो प्रतिद्वंद्वी स्विगी की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है, जिसने इसी अवधि के दौरान 11% की वृद्धि दर्ज की। मनी कंट्रोल ने मंगलवार को रिपोर्ट की। अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड घोषित किया गया। अमूल की देश के दूध बाजार में करीब 75% हिस्सेदारी है, मक्खन बाजार में 85% हिस्सेदारी है और पनीर में 66% हिस्सेदारी है। तो ये थे आज के कॉर्पोरेट न्यूज़। हरीश जी, मार्केट के बारे में बताइए। आज हमने देखा कि मार्केट जो है वो दिन में हमने काफी मूवमेंट देखा, नीचे रहा मार्केट, लेकिन क्लोजिंग ऊपर हुई है, तो क्या न्यूज़ है आज बाजार से? हाँ प्रिया जी, अगर मार्केट में देखा जाए तो आज वीकली एक्सपायरी था बैंक निफ्टी का, तो उसके चलते अगर मार्केट्स में देखा जाए तो बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत दबाव में था बिल्कुल आज सुबह से, तो कंपेरेटिवली और 117 पॉइंट नीचे भी क्लोज हुआ। फिर अगर निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी जो है स्ट्रॉन्ग, इसका जो कंटिन्यूशन लेके चल रहा है, ऑलमोस्ट फोर्थ क्लोजिंग से, फोर्थ सेशन से पॉजिटिव गेंस दे रहा है, तो आज के दिन भी एकदम पॉजिटिव क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स गेन करके। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से निफ्टी में है थोड़ा मोमेंटम बिल्कुल अप ट्रेंड में है, कल एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी आएगी, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत स्लाइटली परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है, क्योंकि ऊपर लेवल्स पे एक्सपायरी के दिन, क्योंकि लगातार चार चौथा दिन है तो गेंस दिखाते हुए, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है ऊपर लेवल्स पे। हाउएवर, अगर मुझे लग रहा है कि 25,000 का एक आंकड़ा रहेगा, जो मेजर क्रुशियल लेवल रहेगा, उसके ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है एक फ्रेश लेग ऑफ रैली के लिए। तो मुझे लग रहा है कि 25,000 के ऊपर टिकना टिकने के लिए हम लोग राह देखेंगे, तो वेट करेंगे कि 25,000 के ऊपर अगर पॉजिटिवली उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मुझे लग रहा है कि फ्रेश लेग ऑफ रैली फिर से एक बार शुरू हो सकता है, एल्स मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन में ही रहेगा मार्केट इस लिहाज से।
आपको लगता है कि 25,000 इस महीने में क्रॉस हो पाएगा? जिस तरीके से मोमेंटम है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत वहाँ पे हर्डल है ही है। बिल्कुल 25,000 का लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना थोड़ा मुश्किल है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो कुछ टाइम लगेगा और कन्फर्म हमेशा, और कुछ ट्रिगर्स आने जरूरी है, तब तक उसके ऊपर 25,000 के ऊपर टिकना थोड़ा अभी फिलहाल के लिए लग रहा है कि थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होने जहाँ पे सेल ऑफ देखने मिल सकता है। जी। तो हरीश जी, ये मार्केट की बातें रही, आप मुझे बताइए, अब हम बात करते हैं दो स्टॉक्स के बारे में जो है एंजल वन फाइनेंशियल सर्विसेज और कोल इंडिया। तो सबसे पहले एंजल वन के बारे में बताइए कि मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है इस कंपनी में। अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो ये जनवरी में, इस साल के जनवरी महीने में इसका ऑल टाइम हाई बनाया था 3896। तो वहां से पहले से ऑलमोस्ट 48% से 50 ऑलमोस्ट 50% एरेस किए उसके गेंस जुड़ा। तो वहां से सेल ऑफ देखने मिला था हमको। तो जहां तक कि ऑलमोस्ट ये 2,000 लेवल्स तक आ चुका है। हाँ, तो रिसेंटली तो 2,000 के आसपास, ऑलमोस्ट लास्ट हफ्ते तक ऑलमोस्ट 2,000 के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा था स्टॉक प्राइस। तो मुझे जिस तरीके सेल ऑफ देखने मिला था, 50 ऊपर से ऑलमोस्ट 50% एरेस किया था गेंस को, तो उसके जाके 2,000 के पास जो भी है सपोर्ट्स के पास आके रुका हुआ है। और इस हफ्ते में एक शानदार रिस्पॉन्स देखने मिला था, और 2-3 दिन से शार्प बाउंस देखने मिला था। ऑलमोस्ट 25 तक का गेंस अब तक इस हफ्ते में दे चुका है स्टॉक प्राइस। तो और वॉल्यूम शानदार गेंस हो चुके हैं इसमें। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि जो सेल ऑफ था वो खत्म हो चुका है। अभी इसका करेक्टिव फेज जो था वो खत्म हो चुका है, तो फ्रेश लेग ऑफ रैली के लिए फिर से तैयारी कर रहा है स्टॉक प्राइस। जी, ये ट्रेंड आपको क्या लगता है कि कंटिन्यू करेगा, कि डू यू एक्सपेक्ट अ रिवर्सल? देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से सेल ऑफ करेक्शन देखने मिला था पिछले ऑलमोस्ट 6 मंथ्स 7 मंथ्स में, तो उसका उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद अभी फॉलो एक बाइंग आया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से करेक्शन के बाद बाइंग आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा कुछ टाइम पीरियड के लिए यहाँ से। और आगे भी मुझे लग रहा है कि आगे भी हमें और थोड़ा ऊपर के और प्राइजेस जाके जाने देखने मिल सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है? देखिए, आज इस हफ्ते में एक शार्प बाउंस मिला था इसमें, ऑलमोस्ट 25% का गेंस दिखा हुआ है। तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि मेजरली इसका सपोर्ट जोन है, इसका सपोर्ट जोन है 2450 के अराउंड है। तो उसके वहां से इमिडिएट बेस में उसके नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है कि मेजर सपोर्ट जोन रहेगा 2,000 का, जो कि ऑलमोस्ट पिछले हफ्ते का लो है। तो मुझे लग रहा है कि ये दो सपोर्ट लेवल्स है यहाँ पे फिलहाल के लिए। जी, मेजर इंडिकेटर्स जो है वो क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो देखिए, जिस तरीके से करेक्टिव मुझे देखने मिला था लास्ट 6 महीनों में, तो ऑलमोस्ट RSI हो, स्टोकेस्टिक हो, MACD हो, तो सारे के सारे इंडिकेटर्स है ओवरसोल्ड सिनेरियो में, ओवरसोल्ड टेरिटरी में चले गए थे। तो RSI देखते हैं तो RSI ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड में से निकल के ऑलमोस्ट 30 ओवरसोल्ड में 30 पर गया था वीकली चार्ट में, और वहां से बाउंस बैक होकर 54 चल रहा है। तो जिस तरह सेम थिंग विद स्टोकेस्टिक, तो स्टोकेस्टिक में स्टॉक में भी ऑलमोस्ट 20 के आसपास तक गया, चला गया था नीचे के लेवल पे स्टोकेस्टिक। तो वहां से अब स्टार बाउंस देखने मिला था इस हफ्ते में, और अभी फिलहाल के लिए 42 लेवल के आसपास चल रहा है रीबाउंस होकर। तो जिस तरीके से सेटअप मिला है, ओवरसोल्ड सिनेरियो था, डीप ओवर में एक चीज बोल सकता हूँ कि इसमें डीप ओवरसोल्ड था, उसकी वजह से शार्प रैली देखने मिला है इस हफ्ते में। और दूसरा चीज है कि MACD है, MACD भी ऑलमोस्ट नेगेटिव जोन में चला गया था। तो अभी फिलहाल के इसी हफ्ते में थोड़ा बहुत नैरो एवरेजेस है जो क्रॉस ओवर के आसपास आ रहे हैं। तो हो सकता है कि अगले हफ्ते में कंफर्मेशन मिलेगा फर्दर MACD का भी। तो सारे इंडिकेटर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट स्टॉक प्राइस एकदम ज्यादा ओवरसोल्ड सिनेरियो में है, तो उसके चलते बाउंस देखना बिल्कुल मिल सकता है। जी, बॉलिंगर बैंड क्या कहता है? बोलिंगा बैंड की बात करें तो बोलिंगा बैंड में वीकली में भी ऑलमोस्ट डीप ओवर सोल्ड में चला गया था। अभी फिलहाल के लिए बोलिंगा बैंड डेली में तो ऑलरेडी अपर लेवल का रेंज जो है उसके ऊपर क्रॉस कर चुका है, उसके ऊपर प्राइस टिक रहे। तो मुझे लग रहा है कि वीकली में देखा है तो बोलिंगा बैंड अभी भी फिलहाल थोड़ा दूर है, तो हायर अपर जोन का रेजिस्टेंस जो है बोलिंगा बैंड के हिसाब से 3965 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि बोलिंगा बैंड के हिसाब से भी वो एक ओवरसोल्ड सिग्नल था और स्क्वीज हो गया था बहुत सारा बोलिंगा बैंड। उसके चलते अभी फिलहाल बोलिंगा बैंड के हिसाब से अभी तक मुझे ऊपर के लेवल्स थोड़ा बहुत और दिख रहे हैं, जो जाके 4970 के आसपास तक एक्सटेंड हो सकता है। जी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है?
इस अगर एक्चुअली चीज है कि इस हफ्ते में एक शार्प शार्प रैली देखने मिला था, उसके चलते थोड़ा बहुत रिस्क हुआ, थोड़ा बढ़ सकता है। नॉर्मली हमने ऑलरेडी इसमें इनिशिएशन कॉल दी, एक लॉन्ग इनिशिएशन कॉल दिए दे चुके हैं समथिंग हम 2300 लेवल्स के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से है लेवल्स है, और अगर एक आध दिन अगर कभी थोड़ा माइनर करेक्शन आता है 2500 तक भी, मुझे लगता है कि वहां पे लॉन्ग्स बिठाना चाहिए। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि वहां से एक शार्प रैली देखने मिल सकता है। और मुझे लग रहा है कि यह शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर बात करते हैं तो मुझे यहाँ से प्राइजेस जो है, यहाँ से प्राइजेस ऑलमोस्ट 3000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इमीडिएट बेसिस में, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो प्राइजेस उसके लिए हम लोग बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं प्राइजेस। जी, क्या एडवाइस देंगे आप ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को? लगा कि एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद, लंबा सेल ऑफ देखने के बाद स्टॉक प्राइस एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, जो कि ब्रेकआउट देकर उसका पॉजिटिव टर्न अराउंड हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को मुझे लग रहा है कि स्टॉक में बिल्कुल बाय कर सकते हैं करंट लेवल पे, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल रहेगा। हाँ, इस हफ्ते के हिसाब से थोड़ा बहुत ज्यादा ही बाउंस किया है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत रिस्क, थोड़ा लेवल रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा अप डाउन हो सकता है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि टेक्निकल सेटअप के हिसाब से एक शानदार रैली देखने मिल सकता है यहाँ से, और बाउंस भी देखने मिल सकता है। जहां तक मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट प्राइसेस जो है 30,000 से लेके 3,100 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 25 तक से ऑलमोस्ट 35% का ऊपर रिटर्न्स मिलने का चांसेस है 5 to 6 months के टाइम पीरियड के हिसाब से देखा जाए। तो मेरे अगर नीचे की बात करते हैं तो नीचे में मुझे लग रहा है कि अभी इमीडिएट बेस सपोर्ट जो है 2450 के अराउंड, 2500 के अराउंड, मुझे लग रहा है कि उसके नीचे जाता है तो मेजरली 2200 का एक मेजर इमीडिएट सपोर्ट बना रहेगा। तो जब भी एक माइनर डिप मिलता है बाय करना चाहिए स्टॉक को, और अक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको इनिशिएशन दे चुके हैं जहाँ ऑलमोस्ट 2200-2300 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक को बिल्कुल शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए बाय करना चाहिए। जी, तो ये था एंजल वन फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में. नेक्स्ट है कोल इंडिया. सेटी सर, योर क्वेश्चंस. अरे जी, कोल इंडिया तो कुछ इन्वेस्टरों के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टरों के लिए डायमंड साबित हुआ है। कोल इंडिया बिल्कुल डायमंड सर, बन हो गया है अभी बिल्कुल. आगे, अभी जो पैसा डाल रहा है वो आगे कोयला तो नहीं हो जाएगा वापस, प्योर डायमंड, बड़ा डायमंड हो जाएगा। सर बिल्कुल आपने सही बताया। जिस तरीके से रन अप देखने मिला था इसमें लास्ट 2020 के बाद, एक्चुअली इसका मोमेंटम बिल्डअप हुआ 23 सितंबर से। तो वहां से अगर देखने मिला था 200 लेवल से लेके बाउंस करके 500 लेवल के आसपास तक आ चुके स्टॉक प्राइस। तो जिस तरीके से बिट स्टॉक प्राइस रैली देखने मिला है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉशियस होना जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से सेटअप बनाया हुआ, टेक्निकली भी हो या फंडामेंटली भी हो, मुझे लग रहा है कि इसका जो अब ये टू तो टेक्निकली बात करते तो 2015 का हाई था इसका 418 का लेवल्स का ऑलमोस्ट, तो 450 के लेवल्स के आसपास, तो वो क्रॉस किया है, उसके ऊपर कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेट हो रहा था फिलहाल, तो उसके ऊपर फिर से अभी वहां से रैली करना शुरू हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल था 447 का, जो 2000 अगस्त 2015 का हाई, तो वो एक बेस बन गया है अभी फिलहाल के लिए। मुझे लगता है कि जब तक उसके ऊपर टिका हुआ है स्टॉक प्राइस, उसका अपसाइड ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है इसका? अगर शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 500 के करीबन है, 490 के करीबन इमीडिएट सपोर्ट बेस है, 500 से 490 के करीबन, उसके नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहेगा 450 का, जो कि 2015 का हाई का है। तो उस जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है, मुझे लग रहा है कि सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अप ट्रेंड नहीं रहेगा। और ऊपर की ओर बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत स्टॉक प्राइस जो है ओवर स्ट्रेच हो चुका है, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में जो मोमेंटम है स्लो रहेगा। लेकिन ऊपर की ओर अभी भी पोटेंशियल है ऊपर जाने का, जो कि मुझे लग रहा है कि 600 के आसपास अगर इमीडिएट बेस में हम देखने मिल सकता है। वॉल्यूम क्या क्या इंडिकेशन है? वॉल्यूम में के नजरे से देखते तो कुछ टाइम पीरियड के लिए अभी वॉल्यूम अच्छे थे, लेकिन रिसेंटली लास्ट 3-4 हफ्ते के लिए वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहे, तो उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉशियस इंडिकेशन आता है। लेकिन अभी भी ओवरऑल वॉल्यूम्स की बात करते तो अभी भी ओवरऑल वॉल्यूम्स का बहुत सारा ऊपर की ओर है, तो मुझे लग रहा है उसके चलते कोई दिक्कत है नहीं है फिलहाल के लिए स्टॉक प्राइस में। और स्टॉक अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ अभी भी बिल्कुल है स्टॉक प्राइसेस तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है आपके हिसाब से? में। मेरे हिसाब से अगर रिस्क है तो मुझे लग रहा है कि
500 490 के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बना हुआ है, तो उसके लिए ऑलमोस्ट समथिंग अराउंड 10% का रिस्क है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से 10% का रिस्क और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 600 के ऊपर पार करता है तो स्टॉक प्राइस और थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म पे स्पेसिफिक की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में अच्छा अभी भी अक्यूमुलेशन है, और मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस जो है ऊपर की ओर और दिखा सकता है। तो क्योंकि अब अगर 600 का लेवल लेते हैं तो ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न होता है, और उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि 630 640 लेवल्स भी देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सेटअप अच्छा है, रिस्क की बात थोड़ा बहुत कॉशियस है, लेकिन जब तक ये 440 लेवल्स के ऊपर टिक होता है लॉन्ग टर्म बुलिश ही रहूंगा। बाकी टेक्निकल इंडिकेटर्स कौन से इसकी फेवर में है और कौन से फेवर में नहीं है? टेक्निकल इंडेक्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि एमएससीडी है थोड़ा बहुत नेगेटिव क्रॉस ओवर दिया है और कंटिन्यूअसली थोड़ा बहुत स्लाइटली उसका ओवरसोल्ड सिनेरियो इंडिकेट कर रहा है। फिर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई में कैसा है कि ऑलमोस्ट एक रेंज बॉन्ड में चल रहा है आरएसआई, जो कि अगर देखते हैं तो मार्च मार्च से लेके अभी तक ऑलमोस्ट आरएसआई में ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है, इवन दो स्टॉक प्राइस ग्रेजुअली अपसाइड मूव हो रहे। फिर आरएसआई जो है स्टैग्नेंट है, वही के ऑलमोस्ट 65 के अराउंड ही 60 65 के अराउंड ही कंसोलिडेट कर रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा बहुत नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है स्टॉक प्राइस के हिसाब से। फिर स्टोकेस्टिक की बात करते हैं, स्टोकेस्टिक में कैसा है कि फिलहाल मोमेंटम तो स्लाइटली अपसाइड दिखा रहा है, लेकिन ग्रेजुअल शार्प बाउंस दिखने रहा है, उसके चलते मुझे लग रहा है कि प्राइस जो मूवमेंट है ग्रेजुअली रहेगा, स्लो रहेगा, स्लो ऑन स्टडी ही रहेगा ऊपर की ओर। और एमएससीडी एमएससी में जैसा ऑलरेडी बताया मैंने, एमएससी में थोड़ा बहुत नेगेटिव क्रॉसओवर दे चुका है स्टॉक प्राइस, और वहां से एक बीच में हमने सेल ऑफ भी और कंसोलिडेशन देखा था उसके चलते, तो फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत एक साइडवेज मोमेंटम से साइडवेज टू अपसाइड मोमेंटम बिल्कुल देखने मिल सकता है, लेकिन जो भी है स्लो पेस में रहेगा प्राइस अप्रिसिएशन। बहुत कम स्टॉक ऐसे होते हैं जो फंडामेंटली भी अच्छे हों और टेक्निकली भी अच्छे हों, बिल्कुल तो ये एक ऐसा एक्सेप्शनल स्टॉक है जिसको फंडामेंटली भी लोग डिविडेंड के हिसाब से लेते हैं, वर्किंग के हिसाब से लेते हैं और टेक्निकल हिसाब से भी कंसिडरेशन करते हैं, बिल्कुल तो ये सोने में सुहागे वाली बात है। बिल्कुल सही सर। दो चीजें हैं इसमें, जैसे आपने एक तो है डिविडेंड के लिए भी बहुत सारे लोग लेते हैं, और दूसरा वाला चीज ये है कि इतने साल हम लोग पहले अगर 2023 2020 के पहले हम लोग नोटिस करते तो ये स्टॉक्स जो है जो मेजरली डिविडेंड के लिए लिया जाता था, कोई क्योंकि मेजरली स्टॉक में इतना ज्यादा बाउंस नहीं होता था। वेरस अभी अभी जिस तरीके से टर्न अराउंड हुआ है पूरा मार्केट स्ट्रक्चर पूरा एनवायरमेंट का, और जिस तरीके से हमारा पावर सेक्टर में डिमांड बढ़ी है, उसके चलते कोल प्राइस में ही हमारा इंडिया में जो भी जनरेशन होता है मेजरली थर्मल पावर से ही ज्यादा होता है कंपेयर टू हाइड्रो पावर, तो उसके चलते जो पावर का डिमांड चेंज हुआ है उसके चलते आगे भी मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूशन रहेगा कोल प्राइस का डिमांड, तो उसके चलते पूरे इंडिया तो उसका जो डिमांड है कंटिन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो और स्टॉक प्राइस में कंटिन्यूशन अपसेट देखने मिल सकता है। आपको ट्रेडिंग के हिसाब से कैसा लगता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए, किसके लिए अच्छा रहेगा? मुझे लग रहा है कि दोनों के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के दोनों के लिए अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म में कैसा है कि थोड़ा आपको हर बार एक एंट्री का अपॉर्चुनिटी देता है स्टॉक प्राइस, क्योंकि बीच बीच में ऑलमोस्ट 5 to 6% करेक्शन देता है हायर लेवल से, तो दैट कुड बी बेस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी। जब भी करेक्शन देता है 5 to 6% का करेक्शन या 7% का, तो वहां पे दोस्तों बाय कर सकते हैं बिल्कुल, और ऊपर की ओर आपको 20 to 15 15 20% रिटर्न्स इजीली कमा के दे देते हैं। तो मुझे लगा शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई प्लेयर है तो मुझे शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं, जो कि 510 के आसपास आप ऑलमोस्ट मिल जाता है किसी दिन, तो बाय कर सकते हैं। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 600 580 से 590 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो वहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। वेरस लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि अभी भी इसका पोटेंशियल बाकी है, तो मुझे लग रहा है कि राइड ऑन रैलीज का स्टॉक है ये, तो बाय करके होल्ड करना चाहिए स्टॉक प्राइस को कुछ जब तक ये 440 के ऊपर टिका हुआ है। जिस तरह से आपने इसका पैटर्न बताया और जैसे एक्सप्लेन किया है, उसे ऐसा लगता है कि कोई 10 साल का बच्चा भी बिल्कुल कर सकता है। बिल्कुल सेठी साहब, जिस तरीके से पैटर्न भी बनाया है ना, हर बार ये डिप में मिलता है, ये कभी ना कभी जिस बार एक बार 15 to 20% बाउंस बैक देता है तो वहां से बिल्कुल देखने मिलता है इसमें करेक्शन आना आता है और फिर से सपोर्ट से लेके फिर से बाउंस बैक होता है, तो इट विल मच बेटर कि सपोर्ट के बाद बाय करे और ऊपर की ओर एग्जिट करे शॉर्ट टर्म प्लेयर से। तो और क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? और कुछ मुझे कोल इंडिया एक ऐसा स्टॉक है, देखो जिस तरीके से माइनिंग और कोल के हिसाब से दोनों के हिसाब से ये स्टॉक
बेटर है। और मुझे लग रहा है कि कोल का जो डिमांड है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा आगे भी। और जिस तरह के डेटा सेंटर का बिजनेस हो जिसके लिए पावर ज्यादा चाहिए, जिस तरह से ईवी का बिजनेस हो जिसके, सो बहुत सारी चीजें हैं। इवन दो सोलर एक ऑल्टरनेट ग्रीन रेन्यूएबल एनर्जी ऑल्टरनेट है, तब भी मुझे लग रहा है कि उसके लिए टाइम लगेगा और आगे जाके इतना फास्टली ग्रो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि कोल का जो डिमांड है इमीडिएट डिमांड मीट करने के लिए, मुझे लग रहा है कि कोल का डिमांड कंटिन्यू रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि उसके चलते कोल इंडिया का भी स्टॉक प्राइस में भी ऑप्शन कंटिन्यू देखने मिल सकता है। जी हरीश जी, आप और कुछ बताना चाहेंगे इन दो स्टॉक्स के बारे में या मार्केट के बारे में? मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा बहुत रनअप हो चुका है, मुझे लग रहा है कि माइनर करेक्शन दे सकता है, लेकिन ओवरऑल सेटअप अभी भी तेजी में ही है मार्केट में। ऐसा जिस तरीके से बीच में हमने ऊपर नीचे देखने मिला था स्टॉक प्राइस में और इंडेक्स में, तो जी लेकिन कहीं ना कहीं इंडेक्स ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ थोड़ा बहुत देखने मिला था, तब भी जाके हमारा इंडियन मार्केट्स में होल्ड किया और कन्विंसिंगली स्लोली ग्रेजुअली अपसाइड फिर से रिटर्न हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीचे लेवल पर बाइंग देखने मिल रहा है, इवन तो एफआई कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे डीआईएस की तरफ से बाइंग कंटिन्यूस जारी है और रिटेल पार्टिसिपेशन भी कंटिन्यूस है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए और सेक्टर स्पेसिफिक होना चाहिए। जी हरीश जी, थैंक यू सो मच मार्केट के बारे में और स्टॉक्स के बारे में दर्शकों को जानकारी देने के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते। थैंक यू जी, बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू। गुड नाइट।